नमस्ते एवरीवन, आई एम स्नेहा सिन्हा। मैं सुशांत सिंह की मौत से मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, उन्होंने क्यों फांसी लगाया, उन्होंने आत्महत्या करने के लिए क्यों ये कदम बड़ा सा उठाया, ये नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि उनके फादर है, उन पर क्या बीतेगी, उनकी बहन उन पर क्या बीतेगा। बट कोई बात नहीं, वो तो जो किया हो गया। बट मैं पहले जब उनकी टीवी पे न्यूज आई थी, और मैंने एक्चुअली न्यूज तो देखा ही नहीं, मैंने यूट्यूब खोला और उस पर इनकी जब मौत की खबरें आई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये फेक है, ये हो ही नहीं सकता। और जब ऐसा मैंने सुना तो मुझे तो बहुत टाइम तक तो बिलीव नहीं हुआ। उसके बाद से मुझे तो बिल्कुल इतनी याद आते हैं ये कि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने हैं। मुझे इतनी वो बुरी लग रही है कि मैं बिलीव ही नहीं कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, आपने ऐसा क्यों कर दिया, अभी तक एक्सेप्ट नहीं। बॉलीवुड के लोग हैं, उनसे ऐसा क्या व्यवहार किए, उनसे ऐसा क्या छीन लिए, और कौन सी ऐसी बात कहे हैं जो उनके इतने अंदर तक चुभ गई, जो उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। आखिर जिन्होंने भी ऐसा किया बॉलीवुड में, उनके से मूवी छीन लिया है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। और मेरे पूरे बिहार से यही अनुरोध है कि प्लीज जो भी न्यू मूवी लगती है उनकी, आलिया भट्ट, सलमान खान, करण जौहर, इन लोगों की मूवी आप लोग इंटरनेट भी देखते हो, मूवी भी जाते हो देखने, प्लीज आप लोग मत देखो इनका फिल्म, नई मूवी नहीं देखो, हॉल में जाओ ही मत। मैं अपने लाइफ में बहुत कम मूवी देखती हूँ, बहुत ही कम, जाती ही नहीं हूँ। इन लोग अगर स्टार बनते हैं तो वो हमारे वजह से बनते हैं, ठीक है, बाकी मेरे स्टार को वो हमारे लिए स्टार थे, और मेरे स्टार अगर इन लोगों की वजह से गया है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं यही सोच रही हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया होगा तो सोचो कि वो कितने फ्रस्ट्रेट होंगे, तभी तो उठाया होगा, वरना बंदा सब चीज में अपने लाइफ में सब चीज सक्सेसफुल थे तो वो आखिर ऐसा कदम क्यों उठा लिया, कि वजह क्या थी। तो कुछ तो ऐसे रीजन रही होगी, और रीजन देखो इनके फैमिली भी गुड है, सब जगह से इन लोगों की मतलब हर चीज अच्छे है, तो फिर ऐसा कदम क्यों उठा लिया। तो वजह तो मूवी की ही आ रही है, जहां तक मुझे लग रही है कि मूवी की है फ्रेंड्स। तो प्लीज आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कुछ करो कि इनकी भी आत्मा को शांति मिले। और इन लोग क्यों बिहार बिहार करते हैं, छोटे और बड़े स्टार तो स्टार होता है, वो बिहार के हमारे लिए तो बहुत बड़ा स्टार ही था ना, और स्टार हमेशा वो रहेंगे। मैं इनकी अभी भी, तब से मैं इनकी फैन हूँ जब से ये छोटे पर्दे पे आते थे, अर्चना और मानव, इनकी पवित्र रिश्ता। काश कि आज इनके लाइफ में अंकिता लोखंडे होती तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ पार्टनर को बहुत अच्छी थी। और मुझे नहीं पता दोस्तों कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ, बट अंकिता लोखंडे के साथ वो होते तो आज दोनों की लाइफ बहुत अच्छी होती और मुस्कुराते हुए होती। कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा के लिए बस यही नमन करती हूँ कि जहाँ भी उनकी आत्मा को शांति मिले।